नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, RRB NTPC का एग्ज़ाम कब तक शुरू होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है सभी रेलवे बोर्ड के जनरल मैनेजर को, उसके बारे में भी आप बताएंगे। वहाँ पर एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है कि आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम कब तक शुरू होगा, कब तक चलेगा, उसके बारे में पूरा अपडेट दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया NTPC के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर लिए आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी यहाँ पे लाइव अपडेट आया है NTPC के एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को लेकर। उसके बाद दोस्तों सबको बताऊँगा जो भी यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी की तरफ से कि आपका RRB NTPC का एग्जाम कब तक शुरू होगा और कब तक चलेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। देख सकते हैं हम अभी janasatta.com के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं और यहाँ पे दोस्तों RRB NTPC 2020 CBT1 एडमिट कार्ड लाइव अपडेट। RRB NTPC का एग्जाम देने जाने वक्त कैंडिडेट ने ट्रेन में किया ये काम तो होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आप RRB NTPC का एग्जाम देने जाने वक्त अगर आपने ट्रेन में कुछ ऐसा किया तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकता है। क्या काम करने के बारे में बताया गया है तो आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अपडेट आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल, आज यानी कि 26 नवंबर 10:55 पर अपडेट दी गई है। उसके बाद दोस्तों आपको कैसे यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपको लॉगिन करने के लिए आपको आपका यूज़र ID रजिस्टर नंबर, उसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ देकर यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बताया RRB NTPC 2020 CBT1 एडमिट कार्ड एग्जाम डेट सरकारी रिजल्ट लाइव अपडेट। RRB NTPC के एडमिट कार्ड जल्द ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद साफ हो जाएगा किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम कब और कहां होना है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ ट्रैवल पास भी जारी किया जाएगा। इस ट्रैवल पास के कैंडिडेट फ्री में रेलवे में यात्रा कर पाएंगे। हालाँकि इसके लिए एडमिट कार्ड साथ में होना जरूरी है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने ट्रेन में ट्रैवल पास का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रैवल पास जो है वो भी जारी किया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे दोस्तों, आपको ट्रैवल पास के साथ साथ आप जब रेलवे में सफ़र करेंगे तो आपको आपके पास एडमिट कार्ड होना भी जरूरी है। अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे ट्रैवल पास को, यहाँ पर दोस्तों आपके खिलाफ जो है रेलवे की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों बताया, उम्मीदवार को बता दें कि चयन प्रक्रिया प्रत्येक चरण में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। CBT1 के लिए प्राप्त एडमिट कार्ड की मदद से छात्र CBT2 में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार फिजिकल टेस्ट के लिए भी अलग एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एडमिट कार्ड जारी किए जाने का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे उस मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आपका जो है एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पे। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक CBT के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा और दोस्तों हर एक एडमिट कार्ड को आपको अच्छा से रखना है, क्योंकि दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी एडमिट कार्ड जो है आपको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ जो नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी की तरफ से, वो नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है, ये नोटिस आपका 17 नवंबर को जारी किया गया था रेलवे चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यहाँ पे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी की तरफ से सभी रेलवे बोर्ड के जनरल मैनेजर को ये लेटर सेंड किया था। यहाँ पे दोस्तों क्लियरली बता दें कि एज यू माइट बी अवेयर दैट मेजर RRB एग्जामिनेशन नेमली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर गोइंग टू कॉमेंस फ्रॉम December 15, 2020 एज मोर देन 2.4 करोड़ कैंडिडेट आर टू बी हैंडल्ड बाई RRB। द एग्जामिनेशन सीजन मे वेरी लॉन्ग एंड कैन एक्सटेंड अप टू June 2021 ड्यूरिंग विच 3 मेजर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नेमली आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी NTPC एंड Level 1 कैटेगरी और फॉर मोर देन 1.4 लाख नोटिफाइड वैकेंसी विल बी कवर्ड। यानी कि दोस्तों आपका जो एग्जाम है आपका RRB का वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम जो आपको अप टू एक्सटेंड हो सकते हैं June 2021 तक एक्सटेंड हो सकता है। और इन्हीं के बीच दोस्तों June 2021 के बीच
आपका जो है मिनिस्ट्रियल आइसोलेट की कैटेगरी, एनटीपीसी और लेवल वन तीनों जो नोटिफिकेशन आया था, जिसके लिए 1.4 लाख वैकेंसी के लिए दोस्तों 2.4 करोड़ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, सभी एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट कर ले जाएगा जून 2021 तक। उसके बाद दोस्तों बताया फॉर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन लॉजिस्टिक सपोर्ट विल बी रिक्वायर्ड बाई RRB इन टर्म्स ऑफ मैन पावर व्हीकल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट दिस CBT विल बी कंडक्टेड ऑब्जर्विंग ऑल मैंडेटरी प्रोटोकॉल ड्यू टू स्प्रेड ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी तीन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा आपका आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, NTPC लेवल वन कैटेगरी फॉर मोर देन 1.4 लाख वैकेंसी, इन सभी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए रेलवे को जो है दोस्तों लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसके साथ साथ मैन पावर, व्हीकल और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरी होगा सब कुछ जो है दोस्तों रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों सभी रेलवे बोर्ड के जनरल मैनेजर को एक लिस्ट भी बनाने के लिए बताया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आपका जो भी CBT एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, आपका 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, सभी एग्ज़ाम जो दोस्तों यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल जो है COVID-19 प्रोटोकॉल जो पैंडेमिक का प्रोटोकॉल है, सभी प्रोटोकॉल को यहाँ पे मानते हो, यानी कि सभी प्रोटोकॉल को यहाँ पे ऑब्जर्विंग ऑल मैंडेटरी प्रोटोकॉल ड्यू टू स्प्रेड ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, यानी कि दोस्तों सभी प्रोटोकॉल को ध्यान पे रखते हुए COVID-19 पैंडेमिक का, तभी आपका जो है CBT एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं इन व्यू ऑफ अबव नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर मे बी इशूड टू ऑल डिपार्टमेंटल हेड इंक्लूडिंग PR CPO एंड PR CSC टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंट टू द RRB टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन स्मूथली। यानी कि दोस्तों ये जो CBT एग्ज़ाम है, CBT एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट करने के लिए सभी डिपार्टमेंट को यहाँ पे सब कुछ जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, या तो फिर जो भी मैन पावर लगेगा, या तो फिर जो भी लॉजिस्टिक्स सप्लाई लगेगा, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों RRB की तरफ से सेंड किया जाएगा, यहाँ पे RRB जनरल मैनेजर की तरफ से विनोद कुमार यादव जी की तरफ से यहाँ पे बताया गया है। नाउ अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे RRB NTPC के एग्ज़ाम के बारे में, कैसे कि दोस्तों आप सभी को बताएं 15 दिसंबर से आपका RRB आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, और ये एग्ज़ाम दोस्तों 15 से लेकर 23 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद ही जो दोस्तों है आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी तक RRB मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी जो एग्ज़ाम वेंडर एजेंसी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों जितना भी यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपका आने वाला वीक के अंदर, यानी कि इसी वीक के अंदर या तो फिर नेक्स्ट वीक के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी दिसंबर, आपका जो है एग्ज़ाम वेंडर एजेंसी जो है वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपका उसके एक या दो हफ्ता बाद आपका RRB NTPC का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो भी कन्फर्म हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो भी लग रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है RRB NTPC का एग्ज़ाम जो है दोस्तों RRB NTPC का एग्ज़ाम 15 जैन से होने का मैक्सिमम चांसेस लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों कोई कंफर्मेशन नहीं है कब तक एग्ज़ाम शुरू होगा। जितना भी दोस्तों यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आपका सेकेंड वीक ऑफ जैन से आपका RRB NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट होने का मैक्सिमम चांसेस है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें ग्रुप डी के एग्ज़ाम का, तो ग्रुप डी एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पे मार्च या तो फिर अप्रैल में होने का मैक्सिमम चांसेस लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही RRB रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।